करती सबको सेवा 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 जोहार। अब आपके काम की बात ये है कि आज बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, पूरे छिंदवाड़ा में सब जगह मनाया गया, लेकिन एक चीज है आपके क्षेत्र में, मैं अभी मैं देख के आया हूँ, क्योंकि सब भागेंगे अब रुक जाएंगे जो चीज मैं बोलने वाला हूँ। इस परासिया क्षेत्र में कोयला खदान के नाम पर बहुत सारी जमीन गई है ना, सही बात है। अब कोयला खदान के नाम पे जमीन गई, WCL वालों ने आपसे जमीन लिया कितने साल की, और वो जमीन खरीदा नहीं है, ये भी याद रखिए, आपसे WCL या राज्य सरकार ने जो जमीन पैसे देके आपसे जो ली थी वो खरीदी नहीं है, वो 75 साल के लिए लीज में लिए, उन्होंने पट्टा में लिए, ठेका में लिए, कितने साल के लिए, 75 साल के लिए। अब क्या हुआ, इतने साल होने के बाद वहाँ कोयला खदान का कोई खनन जो है शुरू नहीं हुआ। अब खनन शुरू नहीं हुआ, 75 साल गुजर गए, तो कायदे से नियम ये कहता है, उनकी LRC ये कहती है कि वो जमीन वापिस उन पीड़ितों को मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ी गजब की बात सुनो, यहाँ परासिया में तुम्हारे यहाँ जाकर हुसैन करके WCL के एक बड़े टैलेंटेड अधिकारी आए, और उन्होंने क्या करे, जो जमीन वापिस उन लोगों को रिटर्न करना चाहिए थी, वो जमीन में षड्यंत्र पूर्वक उसमें नाम हेरा फेरी करके और उसका नवीनीकरण गलत तरीके से गैर संवैधानिक करके और उसमें सरकारी करके लिखवा दिए। अब वो जमीन की कीमत आप जान के हैरान हो जाएंगे, करोड़ों रुपए है, रोड से लगी हुई कुछ ऐसी जमीन है जिनकी कीमत वर्तमान में आप देखेंगे, आदिवासी की जमीन की कीमत बोल रहे हो इतनी महंगी, करोड़ों में जाएगी, वो करोड़ों में बिकेगी, और आपके साथ ये गलत हुआ। और मैं ये बात कह रहा हूं, और यही गलत नहीं हुआ, गलत यहां पर भी हुआ कि आदिवासी की लड़कियों से दूसरे गैर आदिवासियों ने शादी कर उनके नाम पर भारी भरकम जमीन खरीद ली, 100-100 एकड़, 150-150 एकड़, और बाद में क्या हुआ आपको पता है, जिन जिन लोगों ने शादी किया है उन लड़कियों को षड्यंत्र पूर्वक मार दिया गया, और वो जमीन जो आदिवासी लड़के के नाम पे थी वो उनकी संतान के या उनके हस्बैंड के नाम पे आ गया। एक बात और सुनिए, हमारे आदिवासी भाई के नाम पे जो नौकरी करता है दूसरे के यहाँ, उसको कोर्ट काट के वो नौकरी करवाते हैं, और उसके नाम पे 100 एकड़ जमीन लिखवा दिए, उसको अपने यहां गुलाम बना के रखे हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखे, और उसके बाद नौकरी कर रहा है। ये हाल भी यही हालातों में मैंने देखा, डेली हमारे पास मामले आ रहे हैं। आज बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, कौन है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा ये जमीन भूमि संपादन अधिनियम लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसकी वजह से बना, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, सरकार भी नहीं ले सकती, ऐसे कानून को अपने खून अपने आंदोलन और अपनी जान निछावर करके बनाने वाला बिरसा मुंडा का आज जन्मदिन है, जिन्होंने आपकी जमीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उस बिरसा मुंडा का जन्मदिन है जिन्होंने आप लोगों को कहा कि आप सब इस जमीन के मालिक है, सुप्रीम कोर्ट तमाम बड़े बड़े कोर्टों से फैसला हुआ है कि आपकी जमीन राज्य सरकार भी नहीं ले सकती, लेकिन यहाँ WCL ने छीन के रखी है, कौड़ी के भाव आपकी जमीन खरीदी है उन लोगों ने, और वो जमीन वापिस लेने के लिए आप कभी आगे नहीं आते। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, खुल के सामने आए, आपको वो करोड़ों की जमीन को वापिस दिलवाने के लिए बिरसा मुंडा की राह में चलने वाले सैकड़ों युवा अभी जमीन में खड़े हो चुके हैं। और एक बात याद रखिए, आदिवासियों को लेकर आज छिंदवाड़ा जिले में बड़ा कार्यक्रम हुआ, सरकार ने 84 विकासखंड आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम के नाम पर आपके हिस्से का जो पैसा आया था 100 करोड़ से ज्यादा उपयोजनाओं का जो पैसा है ये कार्यक्रमों में इन्होंने खर्च कर दिया। और पता है कार्यक्रम में क्या किया, अभी हम एक जगह देख रहे हैं जन्म दिवस बिरसा मुंडा का, और चल रहा है वहां पर किसी धर्म का प्रचार, किसी धर्म का बिल्कुल सीरियल और नाटक चल रहे। अरे कौन है बिरसा मुंडा, उनके हिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बताते, कौन है बिरसा मुंडा, उनके जमीन और उनके जो लड़ने का तरीका है, जो जमीन किस प्रकार से उन्होंने आदिवासी जमीन बचाया, ये नाटक के माध्यम से क्यों नहीं बताते। धर्म में उलझा रही है राज्य सरकारें और हमारे आदिवासी देख रहे हैं, जनजाति गौरव दिवस के नाम पे कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे भाई आपको विश्वास नहीं होगा, जनजाति जम्मू कश्मीर में हमारा एक आदिवासी भाई है, उसका फोन आया, भाई देवरावन यहाँ जम्मू कश्मीर में सवर्ण वर्ग के लोगों को जनजाति सूची में शामिल कर दिया गया है, ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब में सामान्य लोगों को भर दिया गया है, हमारा तो अधिकार खत्म हो रहा है, और यहाँ पर उसका जनजाति गौरव धिक्कार है, हमको जनजाति नहीं है,
हम कोई वनवासी नहीं है, आदिवासी हैं हम, आदिवासी देश के मूलवासी हैं, यहाँ के मालिक है, लेकिन हमारे नाम पे षड्यंत्र पूर्वक खिलवाड़ हो रहा है। आप इस चीज को समझिए। सभी मातृशक्तियों को हम बताना चाहते हैं, जो लोग आपको वनवासी कह रहे हैं, जो लोग जनजाति कह रहे हैं, उन लोगों को बोलो कि हम आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, हमारी जमीन कोई नहीं ले सकता, अगर कोई जमीन ले रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और अगली बात है, आदिवासियों को रूढ़ी प्रथा मानना चाहिए। अभी मैंने कुछ वक्ताओं के भाषण सुने, कि आदिवासी अपनी रूढ़ी प्रथा छोड़िए। याद रखें, आदिवासी की रूढ़ी प्रथा मतलब जो गांव में इकट्ठे होकर जो ग्राम सभा में जो फैसले लेते हैं, थाने वाले कोर्ट में नहीं जाते, फैसले ग्राम सभा में लेते हैं, वो हमारी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है। हमारे संस्कृति को मानते हैं, वो हमारी रूढ़ी प्रथा का हिस्सा है। हमारी भाषा को मानते हैं, अपने ही जगह समुदाय में शादी करते हैं, अपने ही देवधामियों को मानते हैं, वो हमारी रूढ़ी प्रथा है। और आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को भारतीय संविधान में है 5वीं अनुसूची 13(3) आदिवासियों को रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आदिवासी अपने लिए खुद के लिए नियम बना सकता है। आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार बाकी लोगों के रूढ़ी प्रथा को नहीं है। हमें रूढ़ी प्रथा मानने की बात है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पैसा कानून लागू किया है। अभी हम वही पढ़ रहे थे, यहाँ कुछ बुद्धिजीवी यहाँ बैठ के मोबाइल में पढ़ रहे थे, जो पैसा कानून लागू किया उसमें कहा है कि देखो आदिवासियों की 5वीं अनुसूची की लड़ाई हमने पूरी करे, ये पैसा कानून हमने आज धरातल में लागू करे। अरे कभी पढ़ के देखना पैसा कानून में क्या लिखा है। हमारी पूरी ग्राम सभा को तहस नहस कर दिया। जल जंगल जमीन के जो मुख्य अधिकार हमारे पुरखों ने अपना बलिदान देकर हमें दिलाए थे, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। ग्राम सभा में जो मुकदमी व्यवस्था थी, जिस प्रकार से हम अपने मुखिया चुनते थे, मुखिया चुनने का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। कोई चुनाव नहीं होता था, कोई नगर परिषद नगर पालिका का चुनाव जो ट्राइबल क्षेत्र में नहीं होता था, इसमें इतने बुरी तरीके से हमारे हक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। और सरकार कह रही है कि पैसा कानून लागू किया, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। आपकी जमीन छीन रहे हैं, उसमें जो जमीन अधिग्रहण का अधिकार देती है इनमें पैसा कानून में, वो जमीन जो सरकार भी नहीं ले सकती और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं खरीद सकता, उसको छीनने का अधिकार सरकार ने दे दी है। और हमारा आदिवासी समाज यहाँ अभी बैठा है। आप लोग समझ जाइए, वक्त है समझने का। अपनी बेटियों को बचा के रखें। भूमाफिया लोग हमारी आदिवासी बच्ची से उनको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा कर उनसे शादी कर रहे हैं और बाद में उनकी हत्या कर देते हैं, उनके नाम की जमीन उनके जो हुई संतानों के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। आज बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, उनकी राह में कौन सा संगठन काम कर रहा है उसकी बात मानिए। बिरसा मुंडा की राह में चलने के लिए, इस समाज के लिए अपना एक एक लहू बहाने के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। भक्के में कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, संगठित रहिए। एक मोहल्ले में अगर आप 10 आदिवासी हैं तो 10 आदिवासियों में किसी के भी साथ गलत हो जाए उसके साथ खड़े होइए। वक्त संगठित होने का, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया है। आपको विश्वास नहीं होगा, अपन जैसे गौन समाज है ना, ऐसे ही बैगा समाज है, ऐसे ही भरिया समाज है और ऐसे ही हो जनजाति है। ऐसे कई आदिवासियों में समुदाय है जिनकी जनसंख्या ही खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई भैया, कैसे खत्म हो गई? तो आप देखेंगे वहाँ पर उनके इलाज के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी। शासन ने उनके क्षेत्र में जाके पोलियो के नाम पर उनके बच्चों को थ्रो पॉइजन पिला दिया और बच्चों को खत्म कर डाला। हमारे आदिवासियों को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। याद रखा, सरकार को प्रारंभ करके विश्वास मत करना मेरे आदिवासी भाई। सरकार हमारे क्षेत्र में ये जो कोयला खदान है आप निकालिए। छिंदवाड़ा जिला के कितने लोगों को कोयला खदान में, यहाँ पर कितने लोग हैं हमारे जो जिनको ठेका मिला है जो कोयला निकालता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहाँ के नेताओं ने लाके भर दिया और वो करोड़ों रुपए का कोयला निकालते हैं। हमारी जमीन से कोयला निकाल के आज उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 करोड़, 10-10 करोड़ के मकान है, 100-100 ट्रकें हैं। इन लोग कहाँ के आए हैं? क्या ये पराचा ब्लॉक के हैं? क्या ये छिंदवाड़ा जिले के हैं? आप रिकॉर्ड निकालिए। सब बाहर उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल के लोग आकर हमारी जमीन से हमारी खनिज संपदा बेच के खरबपति अरबपति बन गए और विदेश जाके भाग रहे हैं, अपने जगह जा रहे हैं। हमारी जमीन से ये लोग अमीर बन रहे हैं। याद रखें, आदिवासियों की जमीन कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच से, अगर किसी ने इस उद्देश्य से आदिवासी महिलाओं से शादी करी हो
कि उनकी जमीन हम छीन लेंगे, काउंट कर दो। अगर जमीन हम छीन लेंगे और उनके नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन वो कर लेंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आपकी ऐसी मंशा है तो सुन लो, अगर आदिवासी महिला के साथ कोई गैर आदिवासी शादी करता है और उनके नाम पे अगर जमीन खरीदता है तो वो जमीन उनके बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगी, उसका बच्चा मतलब वो गैर आदिवासी कहलाएगा, उसके बच्चे को ट्रांसफर नहीं होगी। वो जो आदिवासी बच्ची थी जिसने गैर आदिवासी शादी करी है उसके दूर के रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर होगी। हम अपनी जमीन को किसी भी कंडीशन में दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। शादी कर लेंगे लेकिन जमीन नहीं जाएगी, कलेक्टर वहां साफ लिख देगा कि इसका भूस्वामी आदिवासी था, जनरल नाम पे कन्वर्ट होने से पहले इनको ये नियम कानून का फॉलो करना पड़ेगा। सरकार अगर जमीन ले रही है उनको भी हम चेतावनी दे दें, ऐसा कानून जो अभी धज्जी मचा दिया गया है, आज बिरसा मुंडा 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के वर्तमान शासन ने हमारा अधिकार की जो धज्जी मचाई है, हमारे जीने का अधिकार, हमारे स्वशासन का अधिकार, हमारी संस्कृति को रक्षा जो करता है वो अधिकार को खत्म करने का काम करी है, उनको भी हम भूल जताएंगे। इसीलिए याद रखें, ऐसी सरकार को बिल्कुल न चुने जो आपके अस्तित्व को खत्म कर रही है, जो आपके हक अधिकार को खत्म कर रही है, क्योंकि हमारे हक अधिकार है तो हमारे अधिकारी कर्मचारी है। आदिवासियों को आरक्षण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 100% आरक्षण मिलता है, जो पढ़े लिखे बच्चे हुए समझ रहे, जो सरकारी अधिकारी है वो समझ रहे, हमें 60% आरक्षण कोई मतलब का नहीं है। 5वीं अनुसूचित और पेशा कानून जो ओरिजिनल था वो अगर लागू हो जाए तो आदिवासी क्षेत्र में चपरासी से लेकर कलेक्टर, वहां दुकानदार, सभी लोग, आदिवासी ही व्यक्ति व्यापार कर सकता, दूसरा व्यक्ति भी उस क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता। 100% आपको आरक्षण, ये 5वीं अनुसूची, और हमारे बाप दादाओं ने जिस अधिकार के लिए अपना खून बहाया है वो अधिकार की वजह से हमें 100% आरक्षण मिला। लेकिन देखिए छिंदवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी भरे हैं जेल में, फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, आप ही के बहू बेटा, आप ही के घर के बच्चे अभी जेल में पड़े होंगे जिनकी जमानत नहीं मिल रही है। अभी वही राजेंद्र भाई से बात कर रहे थे कि हाँ जो परासिया हो या कई वकील है हमारे पूरे आदिवासी समाज को लूट डाले, जमीन के केस हरा डाले, लेकिन अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं। लगातार हमारे हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं जो कि ग्राम सभा में फाइनल हो जाने थे वही खत्म हो जाते, वो केस कोर्ट में चल रहे हैं और हमारी कई पीढ़ियां निकल जाती है और केस हम लोग जीत नहीं पाते। हमें किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रही सरकार, जमीन हमारी छीन रही है, बहु बेटी हमारी छीन रही है, हक अधिकार हमारे छीन रहे हैं, राजनीति में जो लोग जाते हैं उनको गुलाम बना के रखे वो हमारे छीन रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर के नाम पे दबाव डाल के उनका अधिकार भी उनसे छीन रहा है, कुछ नहीं बचा है। अभी भी वक्त है कि आइए बैठिए, विचार करिए, समाधान निकालिए। अगर अभी भी समाधान नहीं निकाले तो कुछ नहीं बचेगा। इतने कहकर मैं अपने विचार को यहीं विराम दूंगा, आपसे कहूंगा कि बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, मनमोहनसा भट्टी दादा अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, पंता। लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर आप आदिवासी माँ की कोख से आपने जन्म लिया है, अगर आप गौंड समुदाय की माँ की कोख से आपने जन्म लिया है तो आपका अपना धर्म संस्कृति को मानिए। कोई अगर आपको क्रिश्चियन बनाए, कोई अगर आपको मुस्लिम बनाए, कोई अगर आपको हिंदू बनाए तो उनको साफ बोल दीजिए आदिवासी धर्म पूर्वी लोग हैं। जिस समय कोई धर्म नहीं बनाता उस समय यहाँ आदिवासी बिना कपड़े के रह रहा था जंगलों में, मतलब जितने भी धर्म और जितने भी भगवान बने हैं आदिवासियों के पैदा होने के बाद बने, इसलिए धर्म पूर्वी लोग हैं, हमारे अपना प्रकृतिवादी धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, इसीलिए दूसरे के धर्म और संस्कृति में बिल्कुल नहीं फंसे। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने डिलिस्टिंग फार्मूला लाया है कि जो आदिवासी क्रिश्चियन और मुस्लिम बन जाएगा उनका हक अधिकार खत्म हो जाएगा, ये डिलिस्टिंग करके अभी शासन में लेके आया है। याद रखें, आपके हक अधिकार और आपको खत्म करने के लिए शासन प्रशासन ने षड्यंत्र बना लिया है। अब डिपेंड करता है कि कितने आदिवासी समझ रहे हैं और कितने आदिवासी नहीं समझ रहे हैं। आपके अस्तित्व की लड़ाई आपको खुद को लड़ना है, अगर आप नहीं लड़ोगे तो कल की आप अपने आप को आदिवासी नहीं कह पाओगे, इसलिए मजबूत हो जाइए। अंतिम पीढ़ी है, लड़ लीजिए और जीत जाइए, वापिस आइए, जमीन बचाइए, हक अधिकार बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जवाब। शुक्रिया।